इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल की बात किए थे, है ना। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यही था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए लिखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। द वर्ब विच शोज दैट एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन अर्जेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दी भर विशोज दैट एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्रिया का वह रूप जिससे यह जाहिर हो कि कोई काम वर्तमान समय में जारी है, यानी गोइंग ऑन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गोइंग ऑन, गोइंग मतलब जारी है, अर्थात पूरा नहीं हुआ है, लगातार चल रही है, अर्थात पूरा नहीं हुआ है। उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। सिर्फ यही बातें याद रखना है, गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम में, यानी प्रेजेंट समय में, यानी वर्तमान समय में कोई काम लगातार जारी है। कब खत्म होगी इसकी कोई जानकारी या कोई मालूम नहीं है। पहचान इसका क्या होगा? प्रायः हिंदी वाक्य के अंत में। बिल्कुल सही, रहा है, नहीं, प्रायः हिंदी वाक्य के अंत में, क्या देखने को मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, इत्यादि, ये सब क्या होता है? लगा रहता है, वही बातें हुआ, रहा हूँ, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि, ये सब लगा रहता है। अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, हाँ, तुरंत इज आर एम चाहिए, उसके बाद वी फोर चाहिए, नहीं, वी फोर कैसे बनता है? वी वन में ही आई एन जी जोड़ना है बस, वी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, अदर वर्ड सब जो देना है दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जांपल, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कैसे बनेगा? आई, के साथ क्या लगेगा? एम, नहीं, आई के साथ एम लगेगा, या तो इज आर एम, तो सब्जेक्ट यहाँ आई है, तो आई के साथ एम, रीड में ना पढ़ना होता है ना, तो भी फोर चाहिए, तो यही रीड में ही, यानी भी वन में ही आई एन जी लगाइए, तो भी वन में आई एन जी लगने के बाद वही भी फोर बन जाता है। उसके बाद देखिए किताब, तो ए बुक लगेगा, है ना, तो ये क्यों लगा? क्योंकि ये कंटेबल नाउन है, समझे, आर्टिकल लगेगा, अनकंटेबल रहता तो नहीं लगता। आई एम रीडिंग ए बुक, समझे, कहेगा सर एक न है तो पर भी आप ए क्यों लगाए? देखिए एक रहे अथवा ना रहे, अगर कंटेबल नाउन है, सिंगुलर कंटेबल नाउन है, समझे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो ए लगाइए, अगर भावेल साउंड से शुरू होता है तो ए एन लगाइए, समझे कि नहीं? तुम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? अंग्रेजी ना, हाँ, तुम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हो, बनाइए, बिल्कुल सही, यू होगा, यू आर रीडिंग इंग्लिश। क्या इसके पहले ए लगा सकते हैं? हाँ है,
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। भाषा या सब्जेक्ट के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। निगेटिव आ जाए तो हम क्या करें? देखिए निगेटिव, बस इजारम के बाद क्या लगा दीजिए? निगेटिव का होगा भाई सब्जेक्ट चाहिए, तुरंत क्या लगाइए? इज आर या एम? इज या आर एम लगाइए, तुरंत नोट लगाइए। बिफोर लगा दीजिए, बिफोर बोले वही वी वन में ही आई एन जी लगा के। ऑब्जेक्ट लगाइए बगल में, अदर वर्ड लगा के फुल स्टॉप लगाइए। अपने बनाइए, बना सकते हैं सीता विद्यालय नहीं जा रही है, सीता विद्यालय नहीं जा रही है। क्या बनाएंगे? सीता, सीता यहाँ सब्जेक्ट है ना, तो सीता, सीता के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा ना। नोट तुरंत लगाइए, गो मिस जाना, इसी में क्या लगाइए? आई एन जी, तो बिफोर बन जाएगा ना। अब कहाँ? स्कूल, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल हो गया। सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यस नो क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? ई टी सी लगा दीजिए। यस नो क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, ये जो इज आ रहा है ना, ये हेल्पिंग जो वर्ब है वो बाहर हो जाएगा, समझे? तो ये इज आ रहा है पहले लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा अपने जगह पर, है ना। इज आर एम की जगह पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जगह आ जाएगा इज आर एम। तो ई देखिए, नोट रहे तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। कॉमन में लिखे भी फोर चाहिए ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस वही क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए अदरवर्ड के बाद एग्जांपल। और ये एसनो क्वेश्चन का पहचान है, जो क्या का जवाब दे देना, मतलब क्या से शुरू होता है, क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, या क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या से जो शुरू होता है वही एसनो क्वेश्चन। तो एसनो क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या आप पढ़ा रहे हैं? क्या आप पढ़ा रहे हैं? अगर हम पढ़ाते होंगे तो क्या कहेंगे? यस। नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? नो। तो जो एस नो, एस या नो में जवाब दे दे उसी क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे? एस नो क्वेश्चन। और ये क्या से ही शुरू होता है, समझे कि नहीं? तो देखिए यू के साथ आर लगेगा ना, तो आर पहले लिखिए तब यू लिखिए, आया ना। आर पहले लिखे तब सब्जेक्ट, यहाँ यू है इसके बदले आर जो पहले लिखे। अब बताइए रीड, यहाँ क्या होगा? टीच, टीच होगा, टीच मीन्स पढ़ाना, है ना, टीच मीन्स पढ़ाना, तो हो गया टीचिंग, समझे कि नहीं? ए टी सी। डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ दीजिए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन में सबसे पहले क्या जोड़ेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड पहले जोड़ेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड पहले जोड़िए, उसके बाद ये जितना स्ट्रक्चर है ना एसनो का, सब यहाँ आ जाएगा। इज आर एम, इज आर एम, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद नोट रहे तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। बी फोर लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। जैसे कहेगा आप क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए आप क्यों पढ़ा रहे हैं, ये जो क्यों है यही डब्ल्यू एच वर्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे बताइए? डब्ल्यू एच वर्ड यानी क्यों का अंग्रेजी पहले लिखिए, पहले वाई लिखेंगे। अब देखिए यू, यू मीन्स तुम या आप होता है, इसके साथ क्या लगेगा? आर, आर हम पहले लिखेंगे, यहाँ आर पहले लिखिए। वाई आर यू, पढ़ाना टीच होता है, इसमें क्या लगाइए? आई एन जी, हो गया टीचिंग, समझे कि नहीं? आप क्यों पढ़ा रहे हैं, आप कब विद्यालय जा रहे हैं, क्या बनेगा? आप लोग कब विद्यालय जा रहे हैं? देखिए आप लोग कब विद्यालय जा रहे हैं, आप लोग कब विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ कब जो है यही डब्ल्यू एच वर्ड हो गया ना। व्हेन, क्या लिखेंगे इसका अंग्रेजी? पहले लिखिए व्हेन। अब देखिए यू के साथ आर लगेगा, पहले लिखिए तब यू, उसके बाद क्या कीजिए? गो मीन्स क्या होता है? आई एन जी लगाइए। गोइंग टू कहाँ? स्कूल, बस हो गया। आप कब विद्यालय जा रहे हैं, समझे कि नहीं? समझ गया ना? ई टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यही है, कंटिन्यू रहे, चलते रहे, समझे कि नहीं? तो सीख पाए? चलिए आप लोगों को भी अगर वीडियो पसंद लगी हो तो आप भी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।